हेलो, नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप मुझसे पूछे ना पूछे, पूछने का आपके पास अभी मीडियम भी नहीं है, लेकिन मैं चूंकि इस मामले में प्रिविलेज्ड हूँ तो मैं पूछ भी लेती हूँ और उम्मीद कर लेती हूँ कि ठीक भी होंगे ही। आखिर बेठीक होने का अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं है। हाँ, कोई रीज़न अगर है तो मेरी एम्पति है, शुभकामनाएं हैं, दुखी रहने के रीजन्स ख़त्म हो जाएं, सुखी रहने के ऑलवेज मुहैया हों। वापस आते हैं अपने सिलेबस पर। बीए पार्ट सेकंड, सेकंड पेपर 10 एकांकी, साहब को जुकाम है, उपेंद्र नाथ अश्क, महत्वपूर्ण गद्यांश भाग 3, ये आज हमें करना है। हम लोग पढ़ रहे थे कि धीरेंद्र दत्त ने 8 सर्किल नाम की संस्था बनाई थी, उसमें शहजादा सलीम नाटक खेला था। नाटक की सफलता पे उसने पार्टी रखी, पार्टी में मेजबान ही गायब है, मेहमान ढेर सारे आ गए हैं, मेहमान आ गए हैं, मेजबान गायब है, तो गायब मेजबान और मेजबानों पर टीका टिप्पणी हो रही है, उनकी निंदा चुगली पुराण शुरू है और कौन कौन क्या क्या बातें कर रहे हैं वो हम सुन रहे हैं। कुछ लोगों को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, कुछ लोग अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं, एक शीतल सहाय जी हैं वो अपने को ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं। बातचीत मोहन से उनकी चालू है, मोहन से पूछ रहे हैं कि आप अभिनेता हैं? मोहन कहता है मैं अभिनेता हूँ, लेखक हूँ, निर्देशक हूँ, सब कुछ हूँ, यदि मुझे कोई अवसर दे तो। हम में से बहुत लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, अवसरों की कमी प्रतिभा को सामने नहीं आने देती। और प्रतिभा असल में है क्या? बार बार अवसर मिल जाना ही प्रतिभा है। आप लोग अभी वीडियो रिकॉर्डिंग में जो कुछ भी बराबर मुझसे सुन रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि उसको आप तक उसी लहजे में पहुँचाऊँ जिस लहजे में जो पात्र बोलता है, जिस तरह से जो पात्र बात करता है। तो शीतल सहाय को जो जवाब ये देते हैं मोहन, वो बिल्कुल इसी तरह कहते हैं, मैं अभिनेता हूँ, लेखक हूँ, निर्देशक हूँ, सब कुछ हूँ, पर यदि मुझे कोई अवसर दे तो। लेकिन आप मेरी बात छोड़िए, अपनी जारी रखिए। शीतल कहता है कि अवसर हम आपको देंगे। बात अगर अवसरों की आ गई तो बहुत लोग सिंपैथी गेन करने वाले भी होते हैं और बहुत लोग कंधा बनकर घूमते रहते हैं। बहुत लोगों को शौक होती है हर किसी का कंधा बन जाने की। कंधा बनना चाहिए, लेकिन यू शुड सेलेक्ट, आपको चुनना आना चाहिए कि किसके सर का कंधा आप बनेंगे। हर किसी का कंधा बनना भी नहीं चाहिए और आप बन भी नहीं सकते। शीतल सहाय अभी कंधा बनने का इच्छुक है और कहता हम आपको काम देंगे। फिर बात को पहले वाले ढर्रे पे ले गया और कह रहा है कि हिंदी रंगमंच का भविष्य इन धनाधीशों के हाथ में नहीं, ये लोग आर्ट के नाम पर मेरा अंगूठा भी नहीं जानते। अपनी बेकार घड़ियों को भरने के लिए इन्हें शगल चाहिए, इन्हें ऐसे नाटक चाहिए जिनमें लप लपाता सा आहें भरता प्यार हो, फूहड़ हास्य विनोद अथवा नाच गाने की गुंजाइश हो। आधुनिक नाटक की बारीकियों को ये लोग क्या समझेंगे, नाटक जरा गहरा हुआ कि इनके सिर पर से निकल जाता है। नाटक के बारे में ये अपनी तथा कथित सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दे रहा है। स्वनाम धन्य प्रतिभाशाली राइटर और निर्देशक है ये। स्वनाम धन्य लोगों की हमारे यहाँ एक अलग ही कैटेगरी है, जो लोग हमेशा अपनी तारीफ करते रहते हैं, अपने लिए ही गाते हैं, अपने लिए ही बोलते हैं और खुद ही सुन लेते हैं। शीतल साहब भी कहता है कि अवसर हम देंगे आपको, लेकिन एक बात है कि इन जो पैसे वाले लोग हैं इनके हाथ में नाटक का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, इनको मेरे अंगूठे के बराबर कुछ नहीं आता। ये अपनी बेकार की जो चीजें हैं उनको पैसे खर्च करके पूरा करते रहते हैं। इनके नाटक में या तो फालतू के, जिसको हम हिंदी फिल्मों में भी बोलते थे डेविड धवन की फिल्में या टोनी लीवर का हास्य व्यंग, ऐसा सस्ता हास्य व्यंग मनोरंजन इनके नाटकों में होना चाहिए और साथ में
कोई नाच गाने का प्रोग्राम चल जाए, लेकिन जरा सी भी गंभीर बात अगर आ गई, जरा सा भी उसमें कोई ऐसा बारीक पहलू आ गया तो वो इनके ऊपर से निकल जाता है। यानी औसत दर्जे के बिल्कुल फूहड़ टाइम पास नाटकों का मंचन और उसमें अभिनय ये अमीर लोग अपने पैसे के बल पर करते हैं। अब मोहन कहता है ये तो भला छोटा शहर है, भारत की राजधानी तक में गंभीर नाटक नहीं खेला जाता, बस नृत्य संगीत नाटकों या कॉमेडियों का दौर दौरा है। पिछले 5 वर्षों में यदि 5 नाटक भी गंभीर हो तो मुझे पकड़िए। मोहन अब इस बात की सहमति कर जाता है। आप हिंदी फिल्मों को ही देख लीजिए, साल में कोई एकादशी फिल्म बनती हो जो मैसेज गिविंग हो, जिसमें कोई स्पष्ट संदेश दिया गया हो, बाकी तो बस फालतू कोई उसमें नहीं, बस नायक जिसको स्टार कह सकते हैं उसको देखने ठुमके और फालतू के ढिशुम ढिशुम एक्शन मूवी के नाम पे कुछ भी मसाला देखने जाते हैं। तो ये मोहन भी ये कह रहा है कि ये तो छोटा शहर है, इतना बड़ा देश है भारत, उसकी इतनी बड़ी राजधानी है, वहाँ तक गंभीर नाटक मुझे नहीं मिलता, बस या तो उसमें आइटम सॉन्ग चलेंगे या वो फूहड़ कॉमेडी। पिछले 5 साल के 5 गंभीर नाटक मुझे याद नहीं है। अब कुमार कहता है कि लेकिन आप तो इप्टा की प्रशंसा करते थे, थोड़ी देर पहले ये देखता कि इप्टा की प्रशंसा हो रही थी, बोलता है इप्टा अपवाद है, उसके नाटक गंभीर होते हैं, लेकिन इप्टा का उद्देश्य, भैया अपवाद हर चीज़ का होता है, इप्टा के नाटक गंभीर होते हैं। अभी कल मैंने बताया था साम्यवादी दृष्टिकोण, महिलाओं पुरुषों वर्ग भेद की असमानताएं सब कुछ उसमें दिखाया जाता है, लेकिन उसका उद्देश्य .. यानी वाक्य को अधूरा रख दिया गया, उसकी बात काट कर शीतल बोलता है प्रचार मात्र है, प्रचार से मुझे शिकायत नहीं यदि वह कलापूर्ण ढंग से हो। इप्टा के यहाँ अभिनय अच्छा होता है, निर्देशन भी खैर बुरा नहीं होता, लेकिन उसके नाटक नाटक नहीं होते। इसके हिसाब से राजनीतिक प्रपंचों का उद्घाटन करना, राजनीतिक षड्यंत्रों का खुलासा करना कला का हिस्सा नहीं होना चाहिए, यह तो पॉलिटिकल प्रचार हो गया। ठीक है अभिनय अच्छा करते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन नाटक नहीं रखते। मोहन पूछता आप नाटककार हैं? कुमार चुटकी लेता इस बात में, कहता अरे साहब ये क्या नहीं है ये प्रसिद्ध रेडियो आर्टिस्ट मंच के कुशल अभिनेता है, इन्होंने शहजादा सलीम में दरोगा जेल का पार्ट किया था, इधर ये नाटक लेखन की ओर वो कर रहा है मजाक, उस पर बना रहा है, उसकी तोहिन कर रहा है, लेकिन कई बार हमको हमारे मजाक में की गई तारीफ भी अच्छी लगती है, हम सीरियसली ले जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। वो बोलता है कुमार की ये क्या नहीं है, हर फन मौला, इन्होंने रेडियो आर्टिस्ट में का रोल प्ले कर दिया, मंच के कुशल अभिनेता हैं, शहजादा सलीम में दरोगा बने थे जेल के। उसकी बात काट के शीतल कहता है मैंने एक नाटक लिखा है पर मुझे यही डर है कि इन लोगों के सिर से ना गुजर जाए, मैंने एक नाटक तो लिखा है लेकिन मुझे बड़ा डर है कि इनके सिर से ना गुजर जाए, उनमें अति आधुनिक टेक्निक का प्रयोग किया है, मैंने उनमें बोल रहा है उसमें बोलना चाहिए, अति आधुनिक टेक्निक का प्रयोग किया है, मिसेज पांडे स्वयं उसमें पार्ट करना चाहती थी, दत्त साहब ने वादा किया था यदि मैं अपनी संस्था का सहयोग उन्हें दूं तो वे इस नाटक को उठाने में मेरी मदद करेंगे। तो यहाँ बात यह है कि नाटक तो उसने बना लिया, लेकिन उस नाटक में उसने इतनी सारी टेक्नोलॉजी डाली है, अकॉर्डिंग टू हिम उसके अनुसार उसने इतनी टेक्नोलॉजी डाल दी कि मिसेज पांडे स्वयं उसमें पार्ट करना चाहती है, लेकिन टेक्नोलॉजी सबके समझ में नहीं आई। और दत्त साहब ने प्रॉमिस किया था, वही दत्त साहब जिनके यहाँ ये पार्टी में आया है टी पार्टी में, कि यदि मैं अपनी संस्था का सहयोग उन्हें दूं तो वे इस नाटक को उठाने में मदद करेंगे। इसकी अपनी संस्था जिसका यह नाम आटा बता रहा था, आटा यानी अलाहाबाद अमेच्योर थिएट्रिकल एसोसिएशन, उसका सहयोग दे तो वो नाटक में मदद करेंगे। इतनी देर में एक नया आदमी यहाँ आता है, नई एंट्री हुई है, चर्चा परिचर्चा में एक और नाम जुड़ रहा है, मेहरोत्रा। अरे शीतल भाई तुम क्या नाटक यहीं सुनाने बैठ गए? मिसेज पांडे आ गई हैं, उनकी कार शायद पोर्च में आकर खड़ी हुई है, मिसेज मेहरोत्रा आ गई हैं, आप चलिए और आप अपना नाटक जो मिसेज मेहरोत्रा को सुनाने वाले, उसको पांडे को सुनाने वाले थे, वो यहाँ थोड़ी गाना है, चलिए। अचानक शीतल कहता है ब्रज बिहारी से, आप तो कहते थे वो बीमार है।
कुमार से कहता उठो, और इतनी देर से जिससे बात कर रहा है उस मोहन से कहता आपने अपना नाम नहीं बताया। मोहन कहता है मुझे मोहन गुप्त कहते हैं। ब्रज बिहारी कहता है मैंने आपके आने से एक सेकंड पहले उन्हें फोन किया था। शीतल आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। गुप्त साहब आप नाटक के बड़े पारखी लगते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, मोहन नाटक का पारखी है और इन लोगों की सारी कमियां वो आराम से नोटिस में ले पा रहा है। खैर इतना तो पता इसको भी चल गया, ब्रज बिहारी ने और शीतल ने इसका परिचय लिया और इसके पारखी होने की तारीफ की। मेहरोत्रा कहता तुम्हारा नाटक सुन लेंगे तो और भी पारखी बन जाएंगे। साहब ये रोज शाम को लकी रेस्तरां की कुर्सियां तोड़ते हैं, यदि आपको लंबे भाषण न उकताएं और दूसरे का नाटक सुनना बुरा न लगे तो लकी में आया कीजिए। ये हर महीने एक बड़ा नाटक लिख देते हैं, दो नाटक खेलकर हम लोगों को बोर कर चुके हैं, अब तीसरे के खेलने की तिकड़म में है। मेहरोत्रा तारीफ कर रहा है कि जूते भिगो के मार रहा है। आप देखिए कहता है कि ये नाटक के पारखी तो है ही जैसा कि तुम कह रहे हो, लेकिन तुम्हारा नाटक सुन लेंगे तो और पारखी हो जाएगी। इनको अच्छे से पता चल जाएगा किस नाटक में कितना दम होता है। और फिर वापस मोहन को कहता है कि साहब ये रोज शाम को लकी रेस्तरां, कोई लकी नाम का रेस्टोरेंट है, वहाँ कुर्सी तोड़ते हैं, यानी कि वहाँ निठल्लों की तरह पड़ा रहता है, और आपको लंबे लंबे भाषण ना उकताएं तो दूसरे का नाटक अगर सुनना बुरा नहीं लगे तो लकी में आया कीजिए। यानी कि ये बहुत तो लंबे लंबे भाषण झाड़ता है प्लस बोरियत भरे नाटक लिखता है, और इन दोनों से अगर उसको दिक्कत नहीं होती हो, वो झेल लेता हो, तो उस थिएटर में वो उस रेस्टोरेंट में वहाँ चला जाए। और दो नाटक खेलकर बोर कर चुके, खेलकर का मतलब लिखने के बाद उसको मंचित करना, स्टेज पर परफॉर्मेंस दिलवा देना सब तामझाम के साथ, उसको कहते हैं खेलना। और अब तीसरे के खेलने की तिकड़म में है, यानी मुल्ला ढूंढ रहे हैं, शिकार ढूंढ रहे हैं, कोई पैसे लगा दे और ये काम हो जाए। शीतल कहता अरे मेहरोत्रा तुम सदा के विदूषक रहे यार, भगवान का सब तुम्हें देखकर जी चाहता है कि पुरानी शैली में एक नाटक लिखूं और तुमको उसमें विदूषक का पार्ट दूं। शीतल को लग रहा है कि कितना अच्छा कॉमेडियन है, कितना अच्छे से हंसा रहा है सबको, वो सीरियसली नहीं ले रहा कि उसका मजाक बनाया जा रहा है। कहता है कि अरे मेहरोत्रा कितने शानदार कॉमेडियन हो तुम, विदूषक यानी कॉमेडियन। और भगवान की कसम खाकर कहता है कि अगर उसके पास पैसे हो तो उसका जी चाहता है कि एक नाटक फिर लिखे और उसमें उसको कॉमेडियन का रोल दे। बाई ओर के दरवाजे से बाहर जाने को होते हैं कि रुक जाते हैं, पहले जाने वाले होते हैं फिर रुक जाते हैं। अरे आप लोग क्यों चले आए, क्या मिसेस पांडे नहीं आई? क्योंकि सामने से कुछ लोग आ रहे हैं, उनको देख के ये रुक गया और उन्हीं से सवाल कर रहा है कि आप लोग वापस इधर कैसे। रंजन कौशल और विश्वनाथ एक हाथ में मिठाई तथा नमकीन की तश्तरी और दूसरे में चाय की प्याली लिए प्रवेश करते हैं। बाहर खुले में पंडाल लगा है, पंडाल में चाय और वेफर्स की व्यवस्था है। ये लोग उधर जाने वाले थे कि उधर से कुछ लोग चाय और प्लेट में वो वेफर्स लिए हुए अंदर आए हैं, तो उनसे पूछ रहे कि आप लोग अंदर कैसे आ गए। तो रंजन सब हाँ 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 आ गई। शीतल यह मेहरोत्रा कहता था कि उनकी कार आकर रुकी है, क्या दत्त साहब आए? शीतल पूछता है कि मेहरोत्रा कह रहा था कि पांडे मिसेज पांडे की कार आई है, तो क्या दत्त साहब आए क्या? रंजन ने कहा वो आकर सेक्रेटरी की मेज पर बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए उनका चपरासी आया है। दत्त साहब क्यों आएगा, दत्त साहब का चपरासी आया है। शीतल कहता है चपरासी मतलब मेजबान नहीं आया, उसका चपरासी आया। ये हंसी मोहन की है, वो अकेला हंसता है। यहाँ पर इस पूरे एकांकी में आपको मोहन सबसे समझदार दिखेगा। वो अपने काम से आया है, चाहे नाश्ते के लिए नहीं आया है, और उसी को बुलाया गया है और अंत में उसी की को अटेंड किया जाएगा, बाकी लोग यूं ही बैठे रहेंगे। रंजन कहता है साहब का ओवरकोट लेने आया है। कहता है साहब को जुकाम हो ही गवा है, आप उन चाय शुरू करें। चपरासी ने जिस लहजे में बोला, चपरासी की नकल उतार के कह देता है कि चपरासी तो साहब का ओवरकोट लेने आया, कह रहा साहब को तो जुकाम हो गई, आप लोग चाय नाश्ता शुरू कीजिए। वहाँ चाय खत्म होने को है और लोग बाग खिसकने लगे। हम तो उन लोगों की प्रतीक्षा करते रहे, इसलिए चाय की प्याली और मिठाई लेकर इधर आ गए हैं और आराम से पिए और उन्हें जी भर कर गालियां दी।
उधर चाय खत्म होने लगी है, लोग बाग खिसकने लगे हैं, और हम लोग पहले वेट करते रहे कि वो लोग आ जाएंगे, इसलिए अभी तक वहीं थे। अब हम लोग अपना चाय और सामान, अपनी चाय और बाकी का ब्रेकफास्ट लेके इधर आ गए ताकि हम बैठ कर चाय पियेंगे, खड़े खड़े वहाँ नहीं, इसी जगह बैठ कर पियेंगे और उनको जी भर कर कोसेंगे, बुला लिया खुद नहीं मिले। विश्वनाथ एक पात्र हैं, वो कह रहे हैं पहले घंटा भर मेजबानों की प्रतीक्षा में बैठे रहे, फिर चाय मिली तो भूखे। सालों के पास कुर्सियां नहीं थी तो इतने लोगों को बुलाया क्यों था? आम घरों में शादियों में लोग कहते हैं ना बैठने की व्यवस्था तो करी को नहीं, खड़े खानो कोई खानो होवे के। कुछ लोग बोलेंगे जी मैं तो मैं का जावा ही को नहीं, जो बिठाका है सूलतरिया जिमावा को नहीं। यहाँ पे ये यही कह रहा है कि एक तो घंटे भर मेजबानों की प्रतीक्षा करी कि भाई जिन्होंने पार्टी दी है वो आ जाए, और फिर चाय आई तो बुफे सिस्टम यानी खड़े होके खुद ही सर्व करो और पी लो, और गाली देके जो आम बोलचाल में होता है कि सालों के पास कुर्सियां नहीं थी तो कम लोगों को बुलाता, जितनी कुर्सी थी उतनों को बुलाता। अचानक एक नए आदमी पे नजर पड़ गई तो सोचा ये जाके कह ना दे, रुक गया, अरे मेरा मतलब आप क्या दत्त साहब के संबंधी है, मेजबान के रिश्तेदार तो नहीं आप? नहीं, एकदम सपाट नहीं, मित्र दोस्त है जी नहीं। आप दत्त साहब को छोड़ सारी दुनिया को गाली दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप दत्त साहब को तो छोड़िए, पूरी दुनिया को भी गाली देंगे, मुझे आपत्ति नहीं है, क्योंकि इसके सामने चुगली करते ही वो सक पका गया कि कहीं ये उसका रिश्तेदार तो नहीं है, मित्र तो नहीं है। दोनों बातों का जवाब ना में देने के बाद मोहन कहता है गाली दे दीजिए, मुझे दिक्कत नहीं होगी। शीतल कहता अरे भाई ये मनमोहन गुप्त है, नाटक के बड़े शौकीन, जबरदस्त पारखी, कुशल अभिनेता, सिद्धहस्त नाटककार और चतुर निर्देशक। आटा को अपना पूरा सहयोग देने का इन्होंने वादा किया है। और फिर विश्वनाथ की तरफ संकेत करके कहता है कि ये है रंगलीला के मंत्री श्री विश्वनाथ। रंजन की ओर संकेत करके ये इप्टा से संबंध रखते हैं, कौशल की ओर देखकर और आप रंजन खुद कह देता है ये आर्ट एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य। शहजादा सलीम में मेकअप इन्होंने ही किया था। और मोहन से पूछता क्यों साहब आप भी पार्टी ही पर आए थे या वैसे दत्त साहब से मिलने? एक दूसरे के बारे में वो बता देता, किताब आपके हाथ में होगी तो आप समझ जाएंगे पेज नंबर 55 पे शीतल किसका किससे क्या परिचय करा रहा है। मोहन के बारे में कह रहा है कि नाटक के शौकीन है, जबरदस्त पारखी है, कुशल अभिनेता है, सिद्धहस्त नाटककार है, चतुर निर्देशक है, और अपनी संस्था आटा के बारे में कहते हैं कि इसको सहयोग देने का वादा किया है। और फिर रंगलीला भी एक संस्था है, उसका विश्वनाथ से परिचय कराता है। रंजन के लिए कहता है इप्टा के साथ जुड़े हुए हैं। और रंजन पूछता है मोहन से कि वो भी पार्टी में आया था या दत्त साहब से मिलने आया था। मोहन कहता है पार्टी ही पर आया था, आया तो पार्टी पर ही था। रंजन पूछता है चाय पी चुके, आपने पी ली चाय? मोहन कहता नहीं अभी नहीं पी। तो रंजन कहता यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं, भाई चाय नहीं पी तो पी लीजिए। मोहन कहता है अधिकतर लोगों से मेरा परिचय नहीं, और जिन्हें मैं जानता हूँ उनमें से एक भी दिखाई नहीं देता। यहाँ बैठा था कि दत्त साहब या विपुला जी आए तो वहाँ जाऊँ, जितने लोग यहाँ आए उनमें से मैं किसी को नहीं जानता, और जिनको मैं जानता हूँ उनमें से कोई नहीं आया, तो मैं इस इंतजार में था कि दत्त साहब या विपुला जी आ जाए तो मैं वहाँ जाऊँ जहाँ चाय की व्यवस्था है। विश्वनाथ बड़ी मार्केट की बात कहता है, यहाँ बहुत से एक दूसरे को नहीं जानते, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा। यहाँ जितने आदमी आपको दिखाई देते हैं लगभग उतनी ही संस्थाओं का प्रतिनिधित्व वे करते हैं। आप जाकर शौक से तस्तरी उठाइए, स्वयं चम्मच से मिठाई नमकीन डालिए और चाय की प्याली उठाकर ले आइए, उनका इंतजार कीजिएगा तो चाय आपको जाकर क्वालिटी में पीनी पड़ेगी, क्वालिटी रेस्टोरेंट। हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं, मेजबान को कहाँ फुर्सत होती है हमें अटेंड करने की, सब लोग नए नए और मिलते हैं, हम अपना खाना उठाते हैं प्लेट में डालते हैं चल पर खाते हैं, कोई जानकार मिल जाए तो हंसी हो जाती है, हंसी का आदान प्रदान हो जाता है, दूसरे की चुगली हो जाती है, थोड़ा बहुत निंदा पुराण हो जाता है, आ जाते हैं। अगर हम सोचें कि सब जानकार मिले तो हम शायद पार्टी अटेंड ना कर पाए। यही बात वो कहता है कि ज़्यादातर लोग यहाँ एक दूसरे को नहीं जानते, कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानमती का कुन्नौज कोई की, और सारे के सारे लोग आए हैं यहाँ पर वो सब के सब ही एक न एक संस्था चला रहे।
जैसे आजकल कहा जाता है कि हिंदी में किताब कम छपती है कवि ज़्यादा है, या हिंदी में किताब ज़्यादा छपती है पाठक कम है। हर आदमी राइटर है, हर आदमी कुछ ना कुछ लिख रहा है। वही बात यहाँ पर है कि आप इन लोगों से की फिक्र मत कीजिए, किसी को जानते या नहीं जानते इस पे मत सोचिए। अपनी प्लेट तश्तरी यानी प्लेट उठाइए, पसंद की मिठाई डालिए, पसंद की नमकीन डालिए, चाय उठाइए और आ जाइए। वरना थोड़ी देर में सारा सामान या तो बासी हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा और आपको ये चाय जाके रेस्टोरेंट में पीनी पड़ेगी। आज हम लोग इतना ही करेंगे क्योंकि आज पूरा होने वाला है नहीं। इसी वीडियो को कन्वर्ट करने में, अपलोड करने में और टाइम लग जाएगा। ये वीडियो अंत तक मेरे लिए घंटे का सबब बनेगा। आपको ये 20 या 25 मिनट का जो वीडियो मिलता है उसको बोलने में, रिकॉर्ड करने में, कन्वर्ट करने में, एक्सपोर्ट करने में और अपलोड करने में लगने वाले समय के बाद में ये वही नियमित हमारी 50 मिनट की क्लास से अधिक ही भले पड़े, कम नहीं पड़ता। लेकिन आपको आपका सिलेबस पूरा करवाया जाएगा, बहुत आराम से कराया जाएगा, विद लव एंड अफेक्शन कराया जाएगा, इसकी उम्मीद रखिए। आई लव माय स्टूडेंट्स एंड आई केयर फॉर यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सब अच्छा होगा, हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। टेक केयर, बाय, सी यू।